दिल दियां गल्लां करन आया अज फिर बड़ा एक दुखी दिल भी है ते मन च खुशी भी है। दुखी इस करके है कि बाबा रामदेव अज योग डे मना रहे ने, योगा दिवस मना रहे ने, जिहड़ा मोदी सरकार की दिमागी उपज सीगी और 21 जून का दिहाड़ा जिहड़ा इन्होंने मोदी सरकार नाल मिल के मिली भुगत करके चुनिया। क्यों चुनिया? इसलिए चुनिया कि देश नूं धोखे विच रख के मोदी सरकार चलाउणी है ते योग वल ला के ये जिहड़ियां योग दियां गल्लां ने पुठियां सिद्धियां करके कराणी है। अज बाबा रामदेव सिंह जिहड़ा हैगा उस दी वजह करके ये सरकार चल रही है, नहीं तो जिहड़े दलित 67 MP ने उन्होंने एक बारी तो मोदी सरकार नूं सबक सिखाउण दी ठान ली सी और उन्होंने ये सोच लिया सीगा कि असी अपनी सपोर्ट विड्रा करके अगर मोदी सरकार नूं माइनॉरिटी च लियाईए तो असी अपने दलित समाज वास्ते बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अजिही गल नेपरे नहीं चढ़ी। किस वजह करके नहीं चढ़ी? बड़े कारण ने अपने आप दे विच जिहड़े स्पष्ट तौर ते अगले आने वाले दिनों विच प्रगट होणगे। और मोदी सरकार डिगदी डिगदी बची, किवें डिगदी डिगदी बची इसका जिक्र तुसी इस गल तो अंदाजा ला सकते हो कि 67 MP जिहड़े ने उन्हां नूं रामदेव ने स्वामी रामदेव कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्वामी कहिंदे ने सत्कार नाल असीं भी स्वामियों ही कहना उन्हां नूं। और नाल असीं इह भी गल कहांगे कि एक स्वामी रामदेव ही नहीं वो सलवार बाबा भी ने, जदों रामलीला दे मैदान विचों दिल्ली चों सलवार पा के भज्जे सन और जदों भज्जे सन तुसीं इह देखो उदों उन्हां दा योग कित्थे सी? उदों तो आसरा तो सलवार का ही लिया ना, सलवार ने ही उन्हां दा जिहड़ा सी कार व्यार कीता और उस नौटंकी दे विच कितना कितना हथ सी अज तक ये सामने प्रकट नहीं होया। एक गल देखण योग है इत्थे सलवार बाबा जे कहा जाए ज़्यादा ठीक है, इन्होंने किस तरह अपना 100 करोड़ का जिहड़ा कम है वो किवें वधाया। उस तो पहले मैं ये अंदाजा लांदा हुंदा सी जदों मोदी सरकार अजे नहीं बनी सी 2014 भी इन्हां नूं जिहड़ा नैशनल TV ते लियाना शुरू कर दिता, इन्हां दे योग दे उत्ते बड़ा जोर देना शुरू कर दिता। इन्हां ने अज तक नहीं ये दस्सिया किन्ने % इंडिया जिहड़ा 100 करोड़ की आबादी चों, 100 करोड़ मैं कह रहा इस वेले, उहदे विचों किन्ने करोड़ जिहड़े ने योग दे सिर दे उत्ते जिहड़े हैं रोगी जिहड़े सीगे वह अरोग होए ने, ये दसन का यतन स्वामी रामदेव ने कदी नहीं किया। हर चैनल के उत्ते इन्हां दी एक ऐड आ जाती है मेरे आ प्रोडक्ट ने आ तुसी वरतो ते तुसी आ चीज़ जिहड़ी है इस हिसाब नाल करोगे। अज रामदेव बारे ये कहा जाता है कि योग बाबा ना हो के ये एक ऐसा बाबा बन गया जिन्हों व्यापारी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सवेरे भी देखो तुसी हर नैशनल TV जिहड़ा भी है जिन्हों गोदी मीडिया भी लोग कहन लग गए ने उहदे उत्ते लोगों नूं किवें बेवकूफ बनाया जा रहा। अज इम्यूनिटी दे सिर दे उत्ते गल कीती जा रही है, आ 4 दिन पहले दी गल सीगी, एक TV चैनल जिहदा मैं नां नहीं लैंदा गोदी मीडिया दा ही उह हिस्सा है उहदे उत्ते सवेरे सवेरे रामदेव जी दा एक प्रोग्राम चल रहा सीगा जिहदे विच उह इह कह रहे ने तीजी लहर करोना दी आने वाली है। इसदा मतलब इह है भी तीजी मार भारत वासियां नूं वज्जण वाली है, अजे जिहड़ी है मोदी सरकार की जिहड़ी तसली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई भारत के लोगों नूं लुट्टण तों बाद, जे ये लुट्ट चलनी है अगे तो जिहड़ी रामदेव स्वामी ने एक करोना की दवाई बनाई सीगी उस दवाई के उत्ते की असर होया, सारी दुनिया ने उस नूं किस तरह किस हिसाब नाल किया, ये एक तजारती जिहड़ा सीगा वह काम सीगा। अंग्रेज भी जदों आए सीगे ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी उन्होंने ते उन्होंने ट्रेडिंग करना आए सी ते अग लैन आई घरवाली बन बैठी, इस तरह रामदेव दे मोढ़िया दे उत्ते बंदूक धर के इस जिहड़ी मोदी सरकार है इस वेले विसाखियां नाल चलण की बजाए अपने लंगड़ेपन नूं छुपाउण की बजाए लोगों का ध्यान देशवासियों का ध्यान सज्जे खब्बे जिहड़ी है उलझा रही है ले जा रही है कि स्वामी रामदेव ही एक ऐसा योग गुरु है, विश्व गुरु है जिहड़ा सिर्फ तुहानू ते तुहाडे जिन्ने भी परिवार के मैंबर ने देश के
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ED ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ CBI ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਵਿਸ ਮਨੀ ਬਾਰੇ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। $5 trillion ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। $5 trillion ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ GDP ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ IMA ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੈਪੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ IM ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? ਨੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੌਰਲਿਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਦੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। 98 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
हर टीवी चैनल दे उत्ते घट्टो घट किन्ने विज्ञापन आते ने उन्हों का वेरवा उन्हों का खर्चा किमें तो किस हिसाब न दिता जाता गोदी मीडिया नू या नैशनल चैनल्स नू इहदे उत्ते कदी स्वामी रामदेव ने आके स्पैशल या उचेचे तौर पर कदी देशवासियों नू नहीं दस्या ते ना मोदी सरकार की यह जरूरत हुई है कि उन्होंने ये पूछ सके कि तुहाडे कोल इन्ना पैसा कित्थों आया और इन्ने साधन कित्थों आए ने। तुसीं देखो मोदी साहब की कृपा स्वामी रामदेव ते जदों स्वामी रामदेव अपनी किसी भी एडवरटाइजमेंट के आते हैं प्रोडक्ट की एडवरटाइजमेंट के आते हैं पतंजलि 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 ने यह कर दिता पतंजलि ने वह कर दिता। तुसीं ये देखो स्वामी रामदेव किड्डा कु वड्डा इंटलैक्चुअल है। मैं उन्होंने जिहड़ी है विधवता उन्हों की जिहड़ी है शोहरत या उन्होंने उत्ते कोई सवाल नहीं करता लेकिन इस शोहरत नू किसी तरह भी देश दे लोकां दे नाल खिलवाड़ करन दा यतन नहीं किया जाना चाहिए ना ये उपराला होना चाहिए। इस दे उत्ते अज की ये करना सरकार ने यह देखने वाली गल है। आई टी एक्ट बनाता आई टी रूल बनाते ट्विटर नू नथ पाउण लई कर दिता पहले ट्विटर नाल ही गवर्नमेंट आई है 2014 हुण ट्विटर दे नाल ये आसमान ते चढ़ गए ते ट्विटर ते पंख कटने शुरू कर दिते। इहो जिहियां गल्लां सोशल मीडिया ते आंदियां सर्वजनक हो के मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश नू देश जवाब मंगदा उत्थे जवाब देण ना के रेडियो स्टेशन ते जाके बनी बनाई भारत जिहड़ी उहनां दे थिंक टैंक ने जिहड़ी बनाती है मन की बात दे विच उत्थे अपने विचार प्रकट करन। इह देश हित विच किसे तरह भी नहीं। स्वामी रामदेव ते सलवार बाबा उर्फ सलवार बाबा नू मैं एक बेनती करनी चाहवांगा कि किन्नियां नैशनल कंपनियां सीगियां या इंटरनैशनल कंपनियां सी उन्होंने एंटीबायोटिक या बॉडी बायोटिक या समर्था वधाउण लई देशवासियों की किन्ने वड्डे कूड प्रचार किए। तुसीं स्वामी जी स्वामी का नाम अपने नाल लांदे हो और इहो जिहा नाम ला के तुसीं देश के लोगों नू देश के हित नू सामने रख के गल करो तुहाडे लई इह जायज़ नहीं। स्वामी जी तुहानू इह किवें पता लग गया कि तीजी करोना की लहर आने वाली है किहड़ी भविष्यवाणी कीती है तुसीं कित्थों ये तुसीं जिहड़ी एस्ट्रोलॉजी दे मुताबक तुसीं समझिया सोचिया तुसीं तां एक विश्व गुरु हो योग गुरु अज दे दिन तुसीं घट्टो घट झूठ ना बोलो देश दे गोदी मीडिया दे उत्ते नैशनल टीवी दे उत्ते आके देश नूं दसो कि मैं तुहाडे नाल बड़ा खिलवाड़ कर लिया मेरे पल्ले कुछ नहीं हैगा जिहड़ी उन्होंने करोना की दवाई बनाई सीगी उहदे उत्ते भी भारत दे जिहड़े आयुर्वेद विभाग है जिहड़ा हैल्थ डिपार्टमेंट है उन्हें सवाल चुके सन लेकिन उस दी जिहड़ी प्रमाणिकता ते प्रवानगी किवें ते किस हिसाब नाल दिनां विच दे दित्ती गई ये तुहाडे सारिआं दे सामने है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार दी जिहड़ी संचालन दी विधि है जिहड़ा मोदी सरकार नूं चलाउण दा जिहड़ा भार है उह सिर्फ स्वामी रामदेव दीआं लत्तां ते खड़ा है। स्वामी रामदेव दा जे योग चलेगा उहदे च प्रयोग भी चलेगा प्रयोग दे विच घट्टो घट इह चीज़ नहीं होनी चाहीदी कि देश जिहड़ा कंगाल हो गया। अज देखो 199 पेज का एक एफीडेविट सुप्रीम कोर्ट के विच दाखिल किया गया 19 तरीक नूं जिहदे विच इह कहा गया कि साढ़े कोल जिहड़े करोना नाल मरे जो भी भारतीय नागरिक ने उन्हां नूं जिहड़ी 4 लाख रुपया प्रति नागरिक देण दी स्कीम चली सी ओह स्कीम जिहड़ी है असीं उहदे उत्ते किसी भी तरह पैरा नहीं दे सकदे जे पैरा नहीं दे सकते तो वह स्कीम बनाई क्यों किन्ने बनाई सी और क्यों लोगों नाल खिलवाड़ किया सीगा केड़ी बाबा बाबा खटनी सी या तुसी नोबल प्राइज लेना सीगा ए इदा नोबल प्राइज नहीं मिलते। तुसी कई अपने गोदी मीडिया के मित्र सज्जन जिहड़े ने उन्हां नू राज्यसभा विच भेज दिता जिहड़े जजां ने राज्यसभा विच अपनी मैंबरी माननी शुरू कीती है या गवर्नर ही मान रहे ने उन्हां नू मैं ये बेनती करांगा कि देश का जिहड़ा एक विधान है एक कानून है एक जो भी किसी तरह की समर्थ है उस नाल तुसी खिलवाड़ करके अपने परसनल मुफादा नू सामने ना रखो। तुहाडे लई एक यही बेहतरी है जदों तुसी पोस्ट के उत्ते हुंदे हो ते तुहाडे दमखम जिहड़े ने सरकार की कठपुतली विच हुंदे ने
सरकार दे हत्थां विच हुंदे ने। जदों तुसीं रिटायर हो जांदे हो तुहानूं कुछ नहीं मिलदा, कोई पोस्ट नहीं मानन नूं मिलदी, किसे तरहां दा कोई रुतबा नहीं मिलदा, फिर तुसीं दब के और अपने पूरे जोर नाल फिर तुसीं ओह गल्लां कहिंदे हो जिहड़ियां तुहाडियां नौकरी दे दौरान दबियां होईयां सी और सरकार दे पैर थल्ले नप्पियां होईयां सी। ये नप्पियां ते दबियां होईयां गल्लां नूं इस तरह ना करिया करो। जदों तुहाडे कोल पावर है, कॉन्स्टीट्यूशनल पावर है, एक्सरसाइज ऑफ पावर है, उसका इस्तेमाल करो। अज जे देश दियां नागरिक नूं किसे भी तरह की कानूनी सैटबैक पहुँच रहे ने, उस कानूनी सैटबैक के उत्ते मैं मोदी सरकार नूं बेनती करनी चाहवांगा कि वह किसी तरह का भी कानून लियावे और जिहदे विच अकाउंटेबिलिटी फिक्स होवे, जिस बंदे ने देश की संविधान की सहु चुक के किसी भी तरह उस सहु नूं भंग किया, उस भंग हुई सहु नूं किस तरह और किवें उन्होंने सज्जनां नूं कटहरे च खड़ा करना है, विभागी कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। कानून तो बथेरे बनाते लेकिन इहो जिहा कानून कोई नहीं बनाया कि जदों संविधान की उलंघना हो, संविधान के कानून की उलंघना हो जाए, संविधान की सहु की उलंघना हो जाए, जिहदे थले संविधान के थले उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की है, सहु चुक के शुरू की है, भावें वह हाईकोर्ट के जज ने तो भावें वह किसी भी कॉन्स्टीट्यूशनल अथॉरिटी के हिस्सा ने या सरकार ने, उन्होंने ये गल भली भांत स्पष्ट होनी चाहिए है कि साड़ी भी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। जे विदेशों के विच उतों के प्रधानमंत्री के उत्ते फाइन लग सकता है तो साढ़े प्रधानमंत्री उत्ते मास्क पहनने का फाइन क्यों नहीं है? जे उतों के प्रधानमंत्री नूं कैद हो सकती है या उतों के मंत्रियों नूं कैद हो सकती है कोताही के कारण, तो यह जिहड़ी इम्यूनिटी है एक किहड़े संविधान या कानून के मुताबिक लैंदे हैं कि मोदी सरकार ये जरूरत करेगी वाह वाह खट्टन की कि असी अपने देश के लोगों अपनी विधि नूं अपने विधान नूं एक दायरे में रख के एक स्वच्छ प्रशासन देने का यतन किया। स्वच्छता के ढंडोरे इदा नहीं पिटे जाते, ये करनी ते कथनी जिहड़ी हुंदी है उहदे विच बड़ा फर्क हुंदा। अज जे देखा जाए समीकरण राजनीतिक बड़े तेजी नाल बदल रहे ने, जिन्हां दे उत्ते मैं फिर देशवासियों नाल गल करांगा और इस वेले मैं ज्यादा नहीं सिर्फ इन्ना कहिंदा होया देशवासियों नूं ये बेनती करांगा कि इस सरकार नूं राह पा दिओ जां वाह पा दिओ, राह पिया जाने जां वाह पिया जाने। एक गल बड़ी है शाह मुहम्मद दी जिहदे विच उन्होंने कहा सी अगों गए फरंगी दे मारने नूं सगों अपना आप गवाया है। शाह मुहम्मदा कहिंदे ने लोक सिंह जी तुसीं चंगीआं पूरीआं पाया है, स्वामी रामदेव जी कुछ अकल नूं हथ मारो, कुछ चंद लोगों के खातर देश दे जो भी नागरिक ने, जो भी वासी ने, जो भी इस देश के बछिंदे ने, उन्हां नाल योग प्रवृत्ति के अधीन योग टाइटल के अधीन आके तुसी किसे तरह का भी खिलवाड़ करन तो गुरेज करो, भावें वह तुहाड़ियां आयुर्वेद दवाइया ने, भावें वह तुहाडे मसाले ने, या भावें वह तुहाडे किसे तरह दियां खाण पीण दियां वस्तां ने, इन्हां दे नाल सिर्फ तुसी एक व्यापार ही वधाया ईस्ट इंडिया कंपनी वांगू, होर कुछ नहीं कीता। और मोदी साहब की सरकार ने 21 जून का दिहाड़ा तुहाडे लई एक विश्व गुरु का तुहानू मान सम्मान दिता और तुहाडा जिहड़ा इस दिहाड़े नू इंटरनेशनल योगा डे बनाया, और जबकि प्रमाणिकता विदेशों च किन्नी कु है किन्नी कु नहीं ये देखने वाली गल है। मोदी भगत जिहड़े भी जिथे भी हैगे ने वह अखां खोल के इस चीज़ के उत्ते विचार करन कि किन्ने विदेशी लोग जिहड़े ने इस झांसे विच आए ने, इस जालसाजी विच आए ने, यह देखने वाली गल होएगी। इन्नियां गल्लां कहिंदा होया मैं अपने पंजाब वासियों नू देशवासियों नू इस गल दे उत्ते बेनती करांगा कि तुहाडी दिशा जिहड़ी है ते दशा जिहड़ी है वह सिर्फ इन्हां ने नहीं ठीक करनी, तुहानूं अपने आप ठीक करनी पैनी है। और चोन जदों भी करो तुसीं इलैक्शन दे विच वह चोन इन्नी कु साफ ते सही होनी चाहीदी है कि तुहाडा जिहड़ा अपना इमेज है बने और वधे। इन्नी गल कहिंदा होया मैं ये बेनती करदा तुहानूं ये वीडियो चंगी लगी है इस नूं वध तों वध लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो, इस चैनल नूं दिल दीआं गल्लां नूं अगे वधाओ। तुहाडा अपना चैनल है, जो भी तुहाडे सुझाव होणगे तुसीं जरूर दिओ, असीं उन्हां उत्ते गौर फरमावांगे।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ।